किस चीज के लिए आए यहाँ पे? बस मैं दुकान करता था भाई, बंद हो गया। आज सोनू सूद का बर्थडे है तो क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये दिखाओ ना, इधर है ना सोनू सूद का बर्थडे। ये वाला पीछे बैक साइड में। Yeah!
ये देखिए ये होता है रियल हीरो का काम। अभी हम लोगों ने सोचा था कि बंद हो गया था लेकिन इन्होंने बीच में, क्योंकि आज ये जो भी है वो पानी की वजह से है और इसीलिए जो अरे दादा थोड़ा पीछे आ जाओ यार, भाई भाई पीछे आ जाओ। अरे दादा अब जाता है सर, सर हाथ में लीजिए, एक एक हाथ में लो ना, एक एक हाथ में लो ना, एक एक सर एक एक हाथ में लीजिए ना। हैप्पी बर्थडे सर। ये थोड़ा नीचे महेश भैया, मैं भैया भैया मैं भैया माइक निकालो भाई, थोड़ा माइक निकालो माइक सर 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 एक मिनट नीचे से यहाँ पे सुनो भाई। हैप्पी बर्थडे सर। और ये हमारे बिहार का शान होता है गमछा, और सबसे ज्यादा अपने बिहारियों का इज्जत रखा है। जिया बिहारिया ने भैया। ये ले ठीक है, और ये आप ऐसे ही काम करते रहिए बस। भैया मैं भैया थैंक यू इनके साथ में लेना आर्टिस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं खुद इंडिया में नहीं था, मैं भी इन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे आया हूँ। मुझे पता है कि हर साल 30 तारीख को ये लोग पहुँचते हैं और देश भर के कोने से लोग बढ़ाते हैं। जब मैं इन लोगों से मिलता हूँ तो लगता है कि जो प्यार देखकर उनका विश्वास जो है दूर पर, और लगता है कि परिवार जो है इतना बड़ा हो चुका है।
योर यू नो एक और जिम्मेदारी है कमल के ऊपर। डे बाय डे मैं देख रहा हूँ इनका जो हुजूम है वो बढ़ता चले जा रहा है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी जो इनकी जो जिम्मेदारी है कंधों पे उठाई है, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा निभा सकूँ। बड़ी दुनिया दूर दूर से आते हैं, देश भर से लोग आते हैं, सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोशिश करूँगा कि जितनी जिंदगी सुधार पाएँ, जितने चेहरों पर खुशियाँ ले पाएँ, उतनी ला पाएंगे। मुझे बहुत है, मेरा पूरा उम्र घर जो है भरा भरा पेंटिंग्स के साथ, पूरा एक फ्लैट ही है पूरे इतनी कमाल कमाल की पेंटिंग्स, इतना प्यार दिया लोगों ने और लगता है कि माँ बाप की दुआएं हैं जो कहने के असर से पीछे दो साल से जो आप काम कर रहे हैं लोगों का प्यार मिल रहा है, आपको नहीं लगता कि अगर राजनीति के माध्यम से ये काम करेंगे तो ज़्यादा आपको एक बड़ा माध्यम मिलेगा, ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे आप लोगों के लिए? पता नहीं, आई थिंक जो अभी माध्यम दिखाया है भगवान ने वो तो सही है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी पा रहे हैं और मकसद नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से माध्यम से, वैसे एक्टर हो या फिर पॉलिटिशियन हो, लोगों की ज़िंदगी बदलना आई थिंक इम्पॉर्टेंट है और वही करता रहूँगा और अच्छा लगता है। यही है सारी फैमिली हमारी, यही है, यू नो इन्हीं के साथ ही आए हैं और ये बड़ा परिवार है और इन्हीं के साथ मनाएंगे बर्थडे, अब काटे केक भी काटे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो कोशिश करूँगा कि जो लोग भी हैं यहाँ पर जाएं खुश हैं। अभी आज शूटिंग चल रही है मेरी, साउथ की चल रही है, हिंदी फिल्म्स का भी पूरा भी प्रेप चालू है जो होम प्रोडक्शन का, बट आज का दिन था, जिम्मेदारी थी तो आना तो ज़रूरी बनता है। बस मैं यही कहूँगा कि यू नो जितने लोग आते हैं बस कोशिश करता हूँ कि उनकी जिंदगी बदल सकें, अगर माफ़ी चाहता हूँ कि अगर कुछ लोगों तक मेरी हेल्प नहीं पहुँच पाई, लेकिन फिर भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करता हूँ। Thank you so much. Thank you so much.